आप सभी का बाला की रसोई YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की रेसिपी है आलू के भरवा नान बनाना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आलू के भरवा नान। आलू के भरवा नान बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा गूंद कर तैयार करेंगे। ये हमने एक बाउल मैदा लिया है, हमने एक छोटा चम्मच नमक लिया है, आधा चम्मच हमने चीनी ली है और ये हमने 2 से 3 चम्मच दही ली है। और अब हम इसका आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। हमें आटा बिल्कुल सॉफ्ट गूंदना है। अब मैं इसमें पानी डालकर आटा तैयार करूंगी। ये हमें आटा इतना पतला चाहिए था। अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। 1 चम्मच के आसपास हमने ऑयल डाल दिया है और इसे हम अच्छे से गूंद लेंगे आटे को। ये हमारा आटा गूंद कर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं इस आटे को गीले कपड़े से ढककर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगी, जिससे कि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाएगा। अब हम नान के आलू की तैयारी कर लेते हैं। ये हमने 5-6 आलू लिए हैं। ये उबले हुए आलू हैं और ये मैंने एक बाउल लिया है। आलू को इस हाथ की मदद से मैं फोड़ लूंगी। ये हमारे आलू हाथ की मदद से मैश हो चुके हैं। ये मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च ये चॉप कर लिया है और मैं इसमें 1 चम्मच के आसपास डाल दूंगी। ये मैंने 1 छोटा प्याज लिया है और इसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये भी इसमें डाल दूंगी। और 1/4 चम्मच इसमें काली मिर्च डालूंगी, 1/4 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी, नमक स्वाद अनुसार डालूंगी इसमें मैं, जीरा 1 छोटी चम्मच डाल दूंगी मैं इसमें। ये मैंने साबुत धनिया लिया है 1 चम्मच, इसको मैंने 2 पीस कर लिए हैं कूटकर, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। साथ ही मैं थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूंगी इसमें और इसे मैं हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये हमारा आलू का मिश्रण अच्छे से तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच आमचूर डालूंगी। आपके पास अगर अनारदाना है तो वो भी डाल सकते हैं। मेरे पास आमचूर पाउडर है, मैंने ये डाला है। इसे मैं अच्छे से अब फिर से मिक्स कर लूंगी। हमारा मिश्रण अच्छे से मिक्स हो चुका है। हम नान बनाने की तैयारी। ये हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है और पर कुकर रख दिया गरम होने के लिए। हम नान कुकर में बनाएंगे, आप चाहे तवे पर भी बना सकते हो। सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक पेड़ा ले लूंगी आटे का। हमें इतना मोटा पेड़ा चाहिए था और ये हमने सूखा आटा लिया है और इसको हम इस प्रकार से अब बेलेंगे। हमें इसे हाथ की मदद से बेलेंगे, आप चाहे इसे बेलन से भी बेल सकते हो। और अब मैं इसमें घी लगाऊंगी। आलू की स्टफिंग दूंगी और इसे मैं जिस प्रकार से हम आलू के पराठे बनाते हैं उस प्रकार से मैं इसे बंद कर दूंगी और इसे मैं फिर से आटे में और थोड़ा सा आटा मैं नीचे डाल दूंगी और इसे हाथ की मदद से बड़ा करती जाऊंगी। इसी प्रकार से आप अपने नान तैयार कर सकते हो। हमारा कुकर भी गर्म हो चुका है। अब मैं इस पे नान पे थोड़े से पानी की छींटे मारूंगी और थोड़ा सा धनिया लगा दूंगी और हाथ से फिर दबा दूंगी मैं इससे। अब मैं नान को हाथ से उठाऊंगी
और इस साइड में पानी लगा दूंगी काफी सारा, जिससे कि हमारा नान अच्छे से कुकर में चिपक जाए। इस प्रकार से कर लूंगी मैं, इसमें ये नान लगा दूंगी। ये देखो कितने अच्छे से नान लगा है हमारा, और इसी प्रकार से मैं अपने सारे नान लगाकर तैयार कर लूंगी कुकर में। अब हम दूसरे नान को भी इसी प्रकार से चिपका देंगे कुकर में। ये कितने अच्छे से हमारे कुकर में दो नान लग चुके हैं। अब मैं इन्हें सिकने दूंगी, इसे मैं सीधा करके और एक ढक्कन ऊपर से ढक दिया है और इसे मैं सिकने दूंगी। अब मैं कुकर का ढक्कन उतार कर अब मैं कुकर को उल्टा कर दूंगी और इसे मैं सिकने दूंगी। अब हम कुकर को सीधा करेंगे और ये हमारा नान देखो कितने अच्छे से सिका है, ये दोनों नान बढ़िया से सिके हैं। अब मैं इसे कुकर में से निकाल लूंगी नान को, तो कितने अच्छे से नान बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इस साइड से गैस पर ही सेक लूंगी इसे। नान दोनों साइड से अच्छे से सिककर तैयार हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में सर्व कर दूंगी। ये देखो कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। तो मैं अपना दूसरा नान भी सेकूंगी, इसको भी मैं इसी प्रकार से कुकर में से निकाल लूंगी और इसे भी सेक लूंगी मैं। अब मैं ये दूसरी साइड से भी इसको सेक लूंगी। ये दोनों नान हमारे इतने बढ़िया से सिके हैं। मैं अब इसके घी लगा दूंगी नान पे, दोनों नान पे। साथ ही मैं इस पे बटर रख दूंगी। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।